मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज श्री अजीत कुमार भुयान जी। अजीत कुमार भुयान जी नॉट प्रेजेंट। श्री रामचंद्र जांगरा जी। उपसभापति जी, ये बजट जब प्रस्तुत किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, अगले दिन बहुत से अखबारों की हम संपादकीय पढ़ रहे थे और हर संपादकीय में एक टिप्पणी थी कि देश में पहली बार चुनाव की पूर्व संध्या के ऊपर चुनावी बजट प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि देश के भविष्य की रूपरेखा इसके अंदर निश्चित की गई है कि आने वाले 24 सालों के अंदर, 23 सालों के अंदर 2047 तक भारत की स्थिति क्या होगी। उस लक्ष्य को सामने रख के ये बजट बनाया गया है, उस लक्ष्य को सामने रख के बजट प्रस्तुत किया गया है। और हर संपादकीय में माननीय वित्त मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद किया गया था कि चुनाव पूर्व जब भी कोई बजट प्रस्तुत होता है तो आमतौर पर लोक लुभावनी घोषणाएं की जाती हैं और खास तौर पर मुफ्त की कल्चर डिक्लेयर की जाती है कि हम अगर सत्ता में आए तो ये चीज़ फ्री दे देंगे, सत्ता में आए तो ये चीज़ फ्री दे देंगे, सत्ता में आए तो ये चीज़ फ्री दे देंगे। लेकिन उन सब लोक लुभावनी बातों को दरकिनार करके कि हम भारत का क्या स्वरूप देखना चाहते हैं, भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को सामने रख के इस बजट को रखा गया है, इस बजट को बनाया गया है। और इसके बाद के लिए पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी की भी और माननीय मंत्री वित्त मंत्री जी की भी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जैसे 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि आने वाला समय हमारा अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए है, इसलिए ये जो काल है ये हमारा कर्तव्य काल है। और इस कर्तव्य के लिए प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि वी कमिट आवर सेल्फ टू नेशनल डेवलपमेंट विद न्यू इंस्पिरेशंस, न्यू कॉन्शियसनेस, न्यू रेजोल्यूशंस एज द कंट्री ओपन अप इमेंस पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड इट इज आवर कर्तव्य काल। और इसी लक्ष्य को सामने रख के इस बजट को बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें ऐसी हैं, आंकड़ों के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा क्योंकि समय भी थोड़ा सा लिमिटेड सा है। एक बात मैं कहता हूं कि किसान की बात तो कही गई है लेकिन खेती के साथ साथ खेती की किस्में और बहुत होती हैं। जैसे कोई मछली पालन करता है तो उसके लिए वो खेती है, कोई पशुपालन करता है तो उसकी वो खेती है, कोई कुम्हार अगर मटका बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई लोहार अगर लोहे के उपकरण बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई बड़ा अगर लकड़ी की चीज़ें बनाता है तो उसकी वो खेती है, कोई खिलौना बनाने वाला खिलौने बनाना था उसकी वो खेती है, कोई कश्ती बनाने वाला कश्ती बनाता है तो उसकी भी वो खेती है, अगर कोई मछली पकड़ने के जाल बनाता है उसकी भी वो खेती है, कोई कपड़ा सिलता है उसकी भी वो खेती है। यानी इस बजट के अंदर किसान के साथ साथ जो किसान के खेती के अन्य स्वरूप हैं, जैसे विश्व पीएम विश्वकर्मा योजना की चर्चा हमारे सदस्यों ने की है, अभी प्रकाश जावड़ेकर जी उस बात को कह रहे थे कि 13,000 करोड़ की घोषणा तो ये अब की बार है, भविष्य के अंदर ये 9,00,000 करोड़ तक का बजट जो गांव का आम ग्रामीण काश्तकार है जिसकी कोई सुरक्षा ही नहीं थी, नौकरी उसको मिलती नहीं थी, शिक्षा उसके लिए उपलब्ध थी नहीं, उसके ग्रामीण जो कारीगर का काम धंधे थे वो मशीनी युग की भेंट चढ़ गए थे, उनकी सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी योजना इस बजट के अंदर की गई है ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो आई है। तो मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार इस बजट को हम ये ना देखें कि चुनाव में हम कैसे वोट प्राप्त करें, उनको कैसे लुभावनी करें, हम ये देखें कि भारत का स्वरूप आने वाले भविष्य के अंदर क्या होगा। इसके अंदर कुछ और बातें जो हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारी संगीता यादव जी एक बात कह रही थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया,
उसके बाद माननीय अटल बिहारी जी ने उसके साथ जय विज्ञान का नारा जोड़ा और अब की बार अनुसंधान का नारा जोड़ा जो प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के अच्छे स्वरूप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा जरूरी है। और भारत में एक फिगर बड़ा शुभ माना जाता है, हम कोई शगुन देते हैं तो 11 रुपये देते हैं, 21 रुपये देते हैं, 101 रुपये देते हैं, 111 रुपये देते हैं, तो भारत के आधारभूत ढांचे के डेवलपमेंट के लिए 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये एक गजब का एक राशि डिक्लेयर की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी देश में रेलों की सुविधा कितनी है, हवाई जहाज की सुविधा कितनी है, सड़कों की सुविधा कितनी है, देश में शिक्षा का स्तर क्या है, देश में चिकित्सा का स्तर क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, और अगर शिक्षा दी जा रही है तो वो देश की संस्कृति के अनुकूल दी जा रही है नहीं जा रही है, क्योंकि अंग्रेजियत के भेंट हमारा बहुत कुछ चढ़ गया। मैं तो हिंदी राजभाषा समिति का कन्वीनर हूँ, फर्स्ट कमेटी का, मान्यवर इस अंग्रेजी के कारण हमारा गणित चला गया, किसी को पहाड़ा याद नहीं, किसी को पूछ लो कैलकुलेटर उठाएगा, 16 निमा एक बताए नहीं गए कितना होता है, 18 8 144 होते हैं, 19 निमा 171 होते हैं, कोई नहीं बताएगा, कैलकुलेटर उठाएगा और कैलकुलेटर में अगर वायरस होगा तो संख्या भी गलत बताएगा, हमारा गणित गया। आज के बच्चों को संबंधों का नहीं पता कि चाची कौन है, मामी कौन है, फूफी कौन है, ताई कौन, सारी आंटी हैं, सारे अंकल हैं, सब कुछ अंग्रेजियत के भेंट चढ़ गया। जो नई शिक्षा नीति में संस्कारों का जो समावेश किया गया और संस्कारों के साथ साथ शिक्षा को वोकेशनल बनाया गया है, ये बहुत बड़ी बात इस बजट के अंदर रखी गई है। मान्यवर आपने समय दिया, क्योंकि समय छोटा है, वैसे तो हमारा हरियाणा के ऊपर थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा रहम करेंगे 2 मिनट का, वो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय अपने उड़ा जी यहाँ पर कुछ बात कह के गए हैं कि हरियाणा की उन बातों का जिक्र बजट में नहीं आया, लेकिन वो एक सदन को गुमराह करने की बात है। वो कहते हैं कि हमने रेलवे के कोच फैक्ट्री के लिए प्रस्ताव किया था, भाई प्रस्ताव किया था, जमीन कहाँ अक्वायर की गई थी, बजट कहाँ निर्धारित किया गया था। वो कहते हैं हमने एम्स के लिए वो प्रस्ताव किया था, महम के अंदर, मैं महम का रहने वाला हूँ, वो कहते हैं महम के लिए हमने एयरपोर्ट प्रस्ताव किया था, भाई एक पैसा आपने बजट में निर्धारित नहीं किया, एक गज जमीन आपने अक्वायर नहीं की, फिर सदन को गुमराह करने की क्या जरूरत है। एयरपोर्ट हमारी सरकार बना रही है, उस समय मान्यवर एक मिनट, CLU भी एक उद्योग था, नौकरी भी एक उद्योग था, ट्रांसफर भी एक उद्योग था, और आज माननीय मनोहर लाल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में जो हरियाणा चल रहा है, कल 20,000 बच्चों की ग्रुप सी की नौकरी डिक्लेयर हुई है। ऐसे ऐसे गरीबों के बच्चे जिनकी कोई सिफारिश नहीं, कोई उनके पास पैसा देने के लिए, इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से, चाहे वो स्थानांतरण की ट्रांसफर की पॉलिसी है, चाहे नौकरियों की पॉलिसी है, और CLU अपनी जमीन का रिकॉर्ड डालो, अपनी मलकियत का प्रूफ दो और फीस जमा करवाओ और ऑनलाइन कर दो, अगले आपके घर में CLU आ जाएगी। इन्होंने तो पूरा भ्रष्टाचार मचा रखा था, यहाँ सदन को गुमराह करते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, और इस बजट का समर्थन करता हूँ। नेक्स्ट स्पीकर श्री सुजीत कुमार जी।